नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। राजेंद्र नगर डिवीजन में अब हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करने का है कि गवर्नमेंट अपने हिफाजत के वास्ते लॉकडाउन रखे। ये लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहना चाहिए और पार्शियली रिलैक्स भी दिया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रिलैक्सेशन दिया। मतलब ये नहीं कि हर एक रोड के ऊपर आना बोलकर नहीं, और 6 बजे के 10 बजे के टाइम पे भी आप लोग बाहर आए तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्या बोलो तो 6 बजे के और 10 बजे के अंदर कोई कारण आपको बख्शता नहीं, इसलिए अपने सुरक्षा आप करना चाहिए। डबल मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। आपको भी नहीं मालूम आप कैरियर है क्या, इसलिए आप बाहर आके घर पे जा रहे, घर पे जा रहे से टाइम पे आप बाहर से ले गए, समझो घर के हर एक को ये पॉजिटिव आ सकता। अपने वास्ते नहीं, अपने घर के वास्ते सोचना चाहिए और पुलिस के साथ भी साथ देना चाहिए। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाहर निकल के हफ्ते में एक बार निकलिए। हफ्ते के क्या क्या चीज़ चाहिए वही चीज़ हफ्ते के एक बार लेके हफ्ते भर आपके घर पे आप रहिए। मैं आप दूसरे जगह नहीं रख रहे आप लोगों को, आपके घर में आप रखना चाह रहे, घर के साथ रहिए। और बाहर आए समझो हम लोग केसेस डालेंगे, आपके गाड़ियों को सीज करेंगे। सीज करने के बाद आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, केसेस डालेंगे और शॉप वाले को भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी कस्टमर आए समझो, कस्टमर इज गॉड, कस्टमर के वजह से आप लोग अपना दुकान चला रहे। कस्टमर का हिफाजत करना चाहिए, कस्टमर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना देखना चाहिए। इसलिए आपके पास कोई भी आए तो भी वो लोगों को लाइनों पे ठहर के सोशल डिस्टेंस से ठहर के वो लोगों को अपना सर्विसेज दीजिए। नहीं है तो आप लोगों के ऊपर भी अगर कहाँ तो भी हम ऐसा दिखे समझो, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते दिखे समझो, वो लोगों के ऊपर एफ आई आर बनाएंगे। 1-2-3 एफ आई आर बनाने के बाद वो लोगों का ट्रेड लाइसेंस भी कैंसिल करने के वास्ते हम लोग लिखेंगे। अब तो अच्छा नतीजे आ रहा है ये लॉकडाउन के वजह से। अभी हम लोग ऐसा ही करें समझो, हमारे अच्छा रिजल्ट आएगा, हम ही बच जाएगा। दिखे इस दुश्मन से हम लोग लड़ सकते, ये दुश्मन नहीं दिख रहा हमारा को, इसलिए हम लोग 100% सतर्क अलर्ट रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मीडिया टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। जय हिंद।